दोस्तों, टुडे वी गोइंग टू अगेन ए सर्जरी ऑफ डेविएटेड नोज करेक्शन। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है एक टेढ़े नोज को स्ट्रेट कैसे किया जाता है। सो आज जो हमारा केस है दैट इज़ ए क्रूकड नोज डिफॉर्मिटी, डेविएटेड नोज सर्जरी। सो वी गोइंग टू करेक्ट द डेविएटेड नोज सर्जरी करेक्शन। अगर आपको पेशेंट के बारे में हम देखते हैं, दिस इज़ द पेशेंट जिसका नोज हम जो है वो राइनोप्लास्टी सर्जरी से पहले पेशेंट्स की बहुत सारे पिक्चर्स लेते हैं अलग अलग व्यूज़ में, फ्रंटल व्यू में है और लेटरल व्यू में है, ऐसे बेसल व्यू में, जिससे उसका कंप्लीट एनालिसिस हम कर सकें। ये जो फ्रंटल व्यू में पेशेंट का पिक्चर है, सो लुक दैट पेशेंट का नोज जो है वो एक तरफ डेविएटेड है, नोज जो है ओवर वाइड है, उसके फेस के अकॉर्डिंग जो है ब्रॉड है। सो इससे डेविएटेड नोज एंड इस डिफॉर्मिटी के कारण पेशेंट का नेजल ब्लॉकेज भी है एंड देन कॉस्मेटिकली भी। अगर हम पेशेंट का नोज आपको दिखाते हैं, सो लुक दैट द नोज ऑफ दिस पेशेंट, आइडियली मार कर देना। सो नोज ऑफ दिस पेशेंट इज आइडियली, ये नोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट देना, आइडियली द नोज ऑफ दिस पेशेंट इज लाइक दिस। ये इसका पेशेंट का नोज, ये मिड लाइन होना चाहिए, दिस इज द मिड लाइन, बट दोस्तों द नोज इज लाइक दिस। सो इट्स ए डेविएटेड नोज एंड ये नोज बीच में से बैंड है, दैट्स वाई वी कॉल द क्रूकड नोज, ये क्रूकड नोज है। अगर आज हम पीछे से इसको देखते हैं तो ये नोज बिल्कुल डेविएटेड है। आइडियली ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, यहाँ पर ये नोज होना चाहिए, बट ये नोज यों है। सो दैट्स वाई इज ए क्रूकड नोज। इससे नेजल ब्लॉकेज भी है। अगर हम नोज के अंदर देखते हैं तो ये नोज का सेप्टम इसका यहाँ आ रखा है, सो ये नोज को पूरा बेसिकली ब्लॉक कर रहा है। सो हम इस राइनोप्लास्टी सर्जरी से इसके नोज को स्ट्रेट करेंगे एंड अभी देखते हैं, सर्जरी करने के बाद बताते हैं कैसे जो है नोज स्ट्रेट होता है। सो दोस्तों, नाउ माय राइनोप्लास्टी इज फिनिश्ड। अर्लियर जो नोज डेविएटेड था, ब्रॉड था, हमने राइनोप्लास्टी से इनका पूरा अंदर का फ्रेमवर्क चेंज किया, इनर फ्रेमवर्क, नोज को नैरो किया है, नोज का टिप डिप्रेस था, नोज का टिप को जो है प्रोजेक्टेड किया है, और जो नोज डेविएटेड था, नाउ यू लुक दैट द अर्लियर द नोज इज़ लाइक दिस वन, नाउ नोज इज़ डेविएटेड ऑन द वन साइड, नाउ द नोज इज़ मिड लाइन। अभी नोज हमारा बिल्कुल मिड लाइन में है, पहले ये नोज यों था एंड पहले ये नोज बिल्कुल ब्रॉड था, वाइड था, नाउ द नोज इज़ द नैरो। सो बेसिकली दिस इज़ द मेथड। लोग पूछते हैं कि एक डेविएटेड नोज को कैसे स्ट्रेट किया जाता है। सो दोस्तों, इसमें ऑस्टियोटोमी से इस नोज को नैरो किया गया एंड देन बहुत सारे कार्टिलेज एंड जो प्रोसीजर है इससे इसको ऑगमेंट किया एंड देन द नोज स्ट्रेट एंड द नैरो। थैंक यू।